नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। अगर आप भी पटना में रहते हैं और अपने कार्यों के लिए किसी मकान या ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि अब पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण को सूचना दिए बिना किसी मकान, बिल्डिंग या ज़मीन के उपयोग नहीं किए जा सकेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकरण की नज़र में यह एक अवैध काम होगा। इसलिए अगर आप महानगर प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि पर कोई मकान या बहुमंजिली इमारत बनाते हैं या फार्म हाउस का निर्माण करते हैं तो आपको यह जानकारी प्राधिकरण को देना होगा। इतना ही नहीं, आपके द्वारा किसी ज़मीन का इस्तेमाल औद्योगिक रूप में किया जा रहा है तो भी आपको यह बात प्राधिकरण को बतानी होगी। वहीं ज़मीन का नक्शा पास होने के बाद भी आपको प्राधिकरण को यह जानकारी देनी होगी कि उस पर बनने वाली मकान की ऊंचाई, उसका क्षेत्रफल क्या है और उस पर बनने जा रहे फ्लैट की संख्या कितनी होगी। प्राधिकरण को सूचित किए बिना मकान, बिल्डिंग या ज़मीन का इस्तेमाल करना अवैध माना जाएगा, जबकि मकान का नक्शा और उसका निर्माण भी प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही होने चाहिए। अगर इन नियमों को नहीं माना गया तो ज़मीन मालिक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसके मकान को ध्वस्त भी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात भूषण ने यह बताया है कि सूचना के बगैर मकानों के निर्माण से सीवरेज और सड़क के साथ साथ लाइटिंग व्यवस्था को नुकसान पहुँच सकता है, इससे परेशानी भी होती है। आपको यह बताते चले कि राजधानी पटना को भी मेट्रो सिटी बनाने की योजना है। देश के बड़े बड़े और सुव्यवस्थित शहरों में शामिल ग्रेटर नोएडा और चंडीगढ़ के तर्ज पर पटना को विकसित किया जाएगा। इस कार्य के लिए बिहार अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अंतर्गत पटना का नया मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया है। ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर ही ग्रेटर पटना बनाया जाएगा। ग्रेटर पटना के तहत स्थापित शहर को 1067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, जिसे 5 ग्रुप और 14 जोन में बांटा जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।